वेलकम टू तड़का विद भावना। तो आज हम बनाने वाले हैं सूजी के राजभोग, बहुत टेस्टी होते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाली हूँ रेसिपी। तो एक बाउल लेंगे हम, उसमें आधा कप चीनी डालेंगे, एक कप हम पानी डालेंगे और थोड़ी सी केसर डालेंगे जिसका हमारा नेचुरल कलर आए। तो हम इसे चाशनी बनने के लिए रेडी रख देते हैं दूसरी गैस पर, और एक पैन में हम एक कप दूध ले लेते हैं। तो ये देखिए हमारी चाशनी रेडी हो रही है। जब तक चीनी पिघल जाती है तब तक हम चाशनी को रेडी करेंगे। तो ये देखिए हमारा ये दूध गर्म हो रहा है, तो हम इसे थोड़ी देर गर्म होने देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे एक कप लगभग, इसमें कोकोनट पाउडर डालेंगे। ये रेडीमेड वाला कोकोनट पाउडर है, आप चाहे तो जो गोला आता है घड़ी का उसे भी घिसकर डाल सकते हैं। तो मैंने रेडीमेड वाला ही कोको पाउडर लिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे एक कप मिल्क पाउडर, ये कंपलसरी है क्योंकि इससे स्वीट में बहुत अच्छा स्वाद आता है, तो आप लोगों को ये लेना कंपलसरी है। तो अब हम इसे मिक्स करेंगे और तब तक पकाएंगे जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए, और इसे स्लो फ्लेम पर ही पकाना है हमें। और अब हम इसमें लेंगे चीनी, तो हम अब इसमें चीनी लेते हैं। तो हमें थोड़ा सा अभी घी भी डालना है, तो हम पहले घी डाल देते हैं उसके बाद मैं चीनी डालूँगी। तो अब देखिए मैंने घी डाल दिया है इसमें, और घी डालने के बाद ये थोड़ी देर और पकाना है। और उसके बाद हम इसमें एक कप चीनी तो लिया है लेकिन इसमें हम आधा कप ही डालेंगे, और आधा कप हम सूजी में डालेंगे। तो इसलिए आप लोग मेज़रमेंट के हिसाब से डालिएगा और अपने स्वाद के अनुसार। तो मैंने हल्का सा इसमें केसर भी डाला है जिससे ना इसका भी कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो मैंने एक दो केसर की कलियाँ ली हैं और इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देते हैं, तो ये नेचुरल कलर आएगा क्योंकि केसर डाला है हमने। तो आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स किया और ये हमारा गाढ़ा हो चुका है, जो दूध वगैरह था वो सारा एब्जॉर्ब हो चुका है और ये बिल्कुल अच्छी तरीके से हमारी फिलिंग तैयार हो चुकी है। तो हम इसे अब निकाल लेंगे। तो ये थोड़ी देर और इसे ऐसी तरीके से रखना है और हमारी जो फिलिंग है उसे नीचे उतार लेंगे। तो ये हमारी चाशनी भी बिल्कुल रेडी है, तो हम इसे उतार लेते हैं। अब गैस को बंद कर देंगे और अब हम इसे निकाल देते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से हमने निकाल दिया है, उसे अब हम ठंडा होने रख देते हैं। तब तक हम सूजी का हम पेस्ट बनाते हैं। तो हम मैंने एक कप दूध लिया है और उसी पैन में हमने डाल दिया है। तो ये देखिए मैंने डाल दिया है। तो अब हम इसमें सूजी लेंगे एक कप, और ये सूजी को ना ही हम पीसेंगे, और जैसे सूजी आती है रेडीमेड वैसे हम सूजी लेंगे और दूध में हम डाल देंगे। तो हम इसे मिक्स करते हैं। तो ये देखिए मिक्स करते हैं। अब हम जो आधा कप हमारी चीनी थी वो भी हम इसमें डाल देते हैं। तो आप लोग स्वाद अनुसार ही लीजिएगा और मेज़रमेंट के साथ देखिएगा, जैसे आप लोग उस तरीके से मेज़रमेंट, आप ज़्यादा चीनी खाना पसंद करते हैं तो आप लोग उसमें भी एक कप चीनी डाल सकते हैं, इसमें भी एक कप। तो ऐसे ही डालकर बनाना है। और अब हम इसमें ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा घी, और अब मैं बताती हूँ राजभोग बहुत टेस्टी होता है और आप लोगों ने बहुत बार खाया होगा, हर जगह खाया होगा, लेकिन ये वाला राजभोग कहीं नहीं देखा होगा और नहीं खाया होगा। ये बहुत टेस्टी होता है, सूजी का होता है तो इसमें कोई मिलावट नहीं होती, घर पर आसानी से बना सकते हो आप लोग और खा सकते हो। यकीन मानिए जब मम्मी ने बनाया था तो बहुत टेस्टी लगा था मुझे ये राजभोग, और बहुत सिंपल तरीके से। तो इसकी रेसिपी तो मैंने भी बोला था कि मम्मी ये अपनी पब्लिक को तो दिखाना ज़रूरी है, ऑडियंस को। तो मम्मी ने बोला कि ठीक है मैं बना कर दिखाती हूँ। तो ये आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे कहने से बहुत टेस्टी होते, बच्चों को बहुत पसंद आएगा, फैमिली को बहुत पसंद आएगा। तो चलिए हमारी सूजी भी बिल्कुल रेडी है। तो सूजी को हम हल्के सा ठंडा होने देंगे, और ये हमारे जो फीलिंग थी हमारी जो कोकोनट पाउडर की, उसके हमने छोटे छोटे गोले बना लिए हैं। तो अब हम गोले बनाने के बाद अब सूजी लेंगे, और सूजी के हम हल्के से पूरी अपने हाथों से, हल्के हाथों से पूरी का शेप देंगे, मतलब एक हल्का सा राउंड शेप देंगे। और जैसे मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, तो ये देखिए मैंने हाथों की हेल्प से हम इसे इस तरीके से, देखिए मैंने थोड़ी सी लोई ली है, और लोई लेने के बाद सूजी के हाथों की हेल्प से हम इसे फैलाएंगे, और इतना छोटा जितना आपको छेना पसंद है, आप चाहे तो छोटा भी ले सकते हैं और बड़ा भी ले सकते हैं, बस ये फीलिंग के हिसाब से होना चाहिए। तो ये देखिए हमने इसे अच्छी तरीके से पैक कर देंगे हम
बिल्कुल एकदम से, जैसे मोदक बनाते हैं ना उस तरीके से हम इसे पैक कर देंगे। फिर हल्के हाथों से हम इसको गोल शेप देंगे। तो राजभोग का गोल शेप आप चाहे तो ओवल शेप भी दे सकते हैं। तो हम इसे अच्छे से गोल शेप दे देते हैं हल्के हाथों से। इसमें क्रैक्स नहीं आने चाहिए, अगर आ भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी हमें सेकना तो है नहीं। तो आप लोग इस तरीके से हल्के हाथों से हाफ शेप दे सकते हैं, और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि क्रैक्स ना आए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आप लोग इसे अच्छे से इसी तरीके से सारे राजभोग बना लीजिएगा। तो मैं भी बना लेती हूँ, तब तक आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। मैं भी आपके लिए ऐसी अतरंगी और स्पेशल डिलीशियस टेस्टी रेसिपीज़ लेकर आऊँगी जो आप लोगों को बहुत पसंद आएंगी। तो ये देखिए हमारी चाशनी बिल्कुल रेडी है, बस अब हम इसमें सारे राजभोग डाल देंगे एक एक करके। और हमारी जो चाशनी है, नहीं आपको एक तार की बनानी है, नहीं दो तार की, इसमें कोई झंझट नहीं है। जब तक चीनी नहीं पिघलती तब तक आप लोगों को पकाना है, और उसके बाद हमारी चाशनी रेडी हो जाएगी। तो मैंने ये सारे राजभोग डाल देना है, और इसे थोड़ी देर तक हमें गैस पर स्लो फ्लेम पर पकाना है। तो ये देखिए मैंने हल्की सी चाशनी निकाल दी है, क्योंकि मेरी एक्स्ट्रा हो रही थी तो मैंने इसे निकाल दिया है। और इसमें डालने के बाद आप लोग हल्के आँच पर हमें इसे थोड़ी देर पकाना है। तो आप चाहे तो दूसरे बाउल में भी निकाल सकते हैं, जैसे मेरी ये थोड़ी उबाल आएगा तो ये चाशनी शायद निकल सकती है। तो इसे मैं ट्रांसफ़र कर देती हूँ दूसरे बाउल में, बड़े बाउल में ट्रांसफ़र करना है हमें। तो ये देखिए मैं दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। तो मैंने इसे बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है, और अब इसे हम ढककर रखेंगे। स्लो फ्लेम पर हम इसे थोड़ी देर गैस पर पकने देंगे जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। तो ये देखिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, तो ये उबाल आ चुका है, तो मतलब हमारे राजभोग रेडी है। तो अब इसे हम थोड़ा निकाल लेंगे, दूसरे में सर्व कर लेंगे। और निकालने के बाद इसे थोड़ी देर हम इसे इसी तरीके से ठंडा होने देंगे। तो ये सारी चाशनी हमारा जो भी नेचुरल कलर आया है केसर की वजह से, तो इसमें कोई मिलावट नहीं है। और इसी तरीके से आप लोग राजभोग बनाकर रेडी कर सकते हैं, तो बहुत टेस्टी होते हैं। तो मैं इसे दिखा देती हूँ कितने सॉफ्ट होते हैं। तो ये देखिए अंदर की फीलिंग जो भरी थी हमने, बहुत टेस्टी होती है कोकोनट पाउडर की, और बहुत टेस्टी होते, जूसी होते। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।